फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। एंड प्लीज़, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मैगी वेजी नूडल्स सूप। आपने कई ऐसे एड्स देखे होंगे मैगी के, जहां पे आपको इस तरह की वर्डिंग्स मिलती है या टाइटल होता है उनका, मैगी खा के पियो या पी के खाओ। तो सेम वही रेसिपी है, बट थोड़ा हमारे देसी स्टाइल में है। तो इसको बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए वो है, ये मैंने दो टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के, और इसके साथ मैं यहाँ पे बीन्स यूज़ कर रहा हूँ। बीन्स ये मैंने बड़े साइज़ में काटे हुए हैं, कैरेट यानी गाजर, गाजर भी मैंने यूँ ही पतली पतली स्लाइसेस में काटे हुए हैं, थोड़ा लंबे। इसके साथ ही हम ले रहे हैं शिमला मिर्च, शिमला मिर्च भी मैंने स्लाइसेस में काट रखी है पतली पतली। आप अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से कटिंग कर सकते हो। यहाँ ओनियन, एक मीडियम साइज ओनियन है और ये मैंने बारीक काटा हुआ है। इसके साथ ही लगभग 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, और जिंजर है लगभग 1 इंच जो मैंने क्रश किया हुआ है। चिली आप देख सकते हैं, ये मैंने स्लाइसेस में लंबी लंबी काट रखी हैं। और ये ग्रीन वैली मटर है जो मैंने सॉफ्ट होने के लिए पानी में भिगो कर रख दिया है। इसके साथ ही हम यूज़ करेंगे बटर, बटर जो कि मैंने लगभग 50 ग्राम बटर लिया हुआ है, और कोरिएंडर लीव्स ये मैंने काट के रखी है दोस्तों, ये बाद में गार्निशिंग में यूज़ करेंगे हम। और ये आप देख सकते हैं, ये कॉर्नफ्लावर है जो कि हम सूप को थोड़ा गाढ़ा करने के लिए यूज़ करेंगे। फिर ये 3 मैगी के पैकेट मैंने फाड़े हैं और उनके नूडल्स निकाल लिए हैं, जो उसका मसाला है वो मैंने बाउल में रख लिया। ये एक बाउल तीनों मैगी के नूडल्स का मसाला है, साथ में मैंने 1 टीस्पून लिया है चाट मसाला, और 2-5 रुपये वाले मैगी के पैकेट आते हैं मार्केट में, मैंने वो लिए है, आसानी से मिल जाता है, किसी भी मार्केट में आप जाओगे मिल जाएगा आपको शॉप पे। सॉल्ट हम स्वाद के हिसाब से यूज़ करेंगे दोस्तों। और चलिए, अब हम लेते हैं एक पैन, और पैन को मैं फ्लेम पे रख रहा हूँ, फ्लेम ऑन करूँगा। और इसके साथ ही सबसे पहले हमें यहाँ पे अपनी वेजिटेबल्स बॉयल करने हैं। तो हम पहले इसमें, मैं 1 जग पानी डाल रहा हूँ और सारी सब्जियाँ मैं यहाँ पे इसके अंदर डालूँगा, सिवाय ऑनियंस, जिंजर गार्लिक और चिली के, बाकी सारी जो सब्जियां हैं वो सब हमें बॉईल करनी। फ्लेम को हाई रखेंगे जिससे सब्जियां जल्दी से बॉईल हो जाए। देखिए, मैंने सारी सब्जियां यहाँ पे डाल दी हैं और हाई फ्लेम पे हम इसको रखेंगे। इसमें मैं सॉल्ट भी डाल रहा हूँ, लगभग 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, क्योंकि 1 जग पानी है और हमें पानी जो चाहिए वो थोड़ा सॉल्टी चाहिए। और देख सकते हैं ये अच्छे से बॉयल आ रहा है। अब हमें क्या करना है कि हम सबसे पहले अपने जो इसमें टमाटर जो हमने डाल रखे हैं वो हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि हमें टमाटर का पेस्ट बनाना है ग्राइंडर में डाल के, क्योंकि ये वेजिटेबल सूप के अंदर हम मैगी को बाद में बनाएंगे, इसलिए पहले हमें इसका जो टमाटर है इसको हम अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड करके और छान लेंगे। और ग्राइंडर में डालने के पहले जो टमाटर है उसकी हम ऊपर का जो कोट है वो हम निकाल लेंगे, ये कोटिंग आप देख रहे हैं, इसे हम पूरा बाहर निकाल लेंगे। बाकी की जो सब्जियां हैं उन्हें अभी हम 4 से 5 मिनट तक और पकाएंगे। ये देखिए, ये हमने पूरी तरीके से चारों तरफ से इनका जो ऊपर का कवर था निकाल लिया है टमाटर का, और अब इसको हम ग्राइंडर में डाल के, ये देखिए मैं ग्राइंडर में डाल के इसको अच्छे से पेस्ट बना लिया है। अब सबसे पहला काम है इसको हमें एक बारीक छन्नी से छानना है,
जिससे हमें एक स्मूथ पेस्ट मिल जाए टमाटर का, यानी टमाटो प्यूरी। स्पून की सहायता से इसको हम अच्छी तरीके से छान लेंगे। बाकी जो इनके सॉलिड्स निकलते हैं उसको छानने के बाद उसको हम किनारे रख देंगे। आप चाहो तो उसको किसी तरह के सॉस में यूज़ कर सकते हो। दोस्तों ये वेस्ट नहीं होगा, ये भी कहीं ना कहीं काम ही आ जाएगा, तो इसको हम किनारे रख देते हैं। और ये देखिए बहुत ही फाइन जो हमें प्यूरी चाहिए वो तैयार हो गई है। तो इसके साथ ही अब हम देख सकते हैं हमारी जो बाकी की सब्जियां हैं वो अच्छे से पक चुकी हैं, क्योंकि 4 से 5 मिनट और बीत गए हैं। तो इन सब्जियों को भी हमें छान लेना है। तो चलिए फ्लेम को बंद करते हैं। और इन सब्जियों को छन्नी की सहायता से छान के अलग कर लेते हैं। ये छानने के बाद दोस्तों जो पानी निकल रहा है ये हमारा वेजिटेबल स्टार्च है, जो कि हम फेंकेंगे नहीं बल्कि इसी पानी में हम अपनी मैगी पकाएंगे। तो ये पानी हमें अलग करके रखना है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जो सारा फ्लेवर है वो इसी की वजह से, जो सूप का फ्लेवर है इसी की वजह से आएगा। तो इसे हमें एकदम अलग रखना है। ये अभी हम लास्ट में ऐड करेंगे और मैगी हमारी इसी में पकेगी। हमने इसमें पहले से ही नमक डाल रखा था जिससे जो सब्जियों का जो फ्लेवर है वो अच्छे से आ जाए इसमें। इसलिए हम पैन चला लेते हैं और पैन में सबसे पहले हमने जो बटर लिया उसमें से आधा बटर यानी 25 ग्राम बटर हम यहाँ पे डालेंगे मेल्ट होने के लिए। और मेल्ट होते ही इसमें हम ऐड करेंगे ओनियन जो बारीक कटे हुए हमने रखे थे। ये ओनियन्स डालेंगे और इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे 10 से 15 सेकंड। और उसके बाद फिर इसमें हम जिंजर गार्लिक और चिली भी ऐड करेंगे। यहाँ पे चिली भी डाल लेना है। अब इस पूरे मसाले को हम कम से कम 2 से 2.5 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। थोड़ा सा 10-15 सेकंड भूनने के बाद इसको आप ढक दीजिए, इससे अच्छे से नरम हो जाए। दो मिनट होने के बाद हम इसको ओपन करके देखेंगे। और जी हाँ, जैसा हमें चाहिए वैसा हो चुका है ये। तो चलिए इसमें हम टमाटो प्यूरी जो हमने बनाई थी वो ऐड कर दें। जी हाँ, और ये टमाटो प्यूरी डालने के बाद इसमें हम लोग आधा कप जो हमारा स्टार्च का वाटर था वो आधा कप वाटर इसमें और डालेंगे, जिससे ये पैन की तली में लगे नहीं और जले नहीं। क्योंकि बिल्कुल भी इसमें जलने का स्वाद नहीं आना चाहिए, जलने का स्वाद आया तो पूरी तरीके से जो हमारा सूप का मज़ा होता है वो ख़राब हो जाता है दोस्तों। तो बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का। और इसको हम ढक देते हैं कम से कम 5 मिनट के लिए, इससे अच्छे से तैयार हो जाए। मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। देखिए बॉयल आना शुरू हो गया है। तो इसको हम 5 मिनट के लिए कम से कम ढक देते हैं। और लगभग 5 मिनट हो गए हैं। चलिए देखते हैं क्या हाल है हमारे। यहाँ जैसा होना चाहिए, देखिए इसमें कलर में भी काफ़ी चेंज आ गया है, ये कलर हल्का सा डार्क हो गया है। अब हम यहाँ पे जो हमारे मसाले हैं, जो मैगी का मसाला हमने निकाल के रखा था वो, उसके साथ में ही जो चाट मसाला हमने निकाल के रखा था और जो मैगी मसाले के जो हमने 2 पाउच निकाल के रखे थे, तो सारे मसाले हम यहाँ पे ऐड करेंगे इसमें। ये सारे मसाले डालने के बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा सा हो जाएगा, बट इनको डालने के बाद हम आराम से ढकेंगे और ढक के कम से कम 2 से 2.5 मिनट तक
इसको फिर से पकाएंगे जिससे मसाले भी अच्छी तरीके से हो जाएं। और अब जो हमारा बाकी का था निकाल कर सा पानी, वो सारा पानी इसमें हम डाल देंगे। इसके बाद फिर हमें इसमें बटर डालना है, जो बाकी का रेस्ट हमारा बटर जो बचा हुआ था वो हम पूरा इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा ये गर्म हो जाए इसके बाद, और देखिए इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है, तो हम बटर ऐड करेंगे इसमें। बटर मैं पहले इसे ऐड कर रहा हूँ कि बाद में जब अभी जो मैगी डालेंगे तो वो आपस में चिपकेगी नहीं, और सूप जो हमारा जैसा नूडल्स सूप हमें चाहिए उस तरह से तैयार होगा। अगर हम बाद में बटर डालेंगे तो मैगी सूप को बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देगी, इसलिए बटर पहले से डाल दीजिए, तो वो मैगी के नूडल्स को सेपरेट कर देता है सूप से थोड़ा। अब देख सकते काफ़ी अच्छा बॉयल आ रहा है, तो अब हम यहाँ पर मैगी सारी जो हमारी नूडल्स रखे हुए हैं सारा नूडल्स हम यहाँ पर डाल देंगे। बहुत ज़्यादा टुकड़े नहीं करने हैं, एक या दो बार आप दो या तीन टुकड़ों में सारी मैगी डालिए। बहुत ज़्यादा चूनी करके अगर आप डालेंगे तो फिर हमें मैगी का मज़ा नहीं मिलेगा, नूडल्स का मज़ा नहीं मिलेगा। और ये सारे वेजिटेबल्स भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इसमें। और अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं, हमें सबसे ज़रूरी काम है हमारा जो इसमें जैसे ही उबाल आता है उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अभी तक हमने ढक दिया है। उबाल आते ही हम जो हमारा कॉर्नफ्लोर है उसको हम आधे कप पानी में घोल के और फिर उसको भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ये इसलिए ऐड करते हैं जिससे जो सूप है उसको सूप जैसा बनाने के लिए, यानी अगर हम उसको नहीं ऐड करेंगे तो काफ़ी पतला रहेगा, इसको ऐड करने से सूप बहुत जैसा गाढ़ापन होना चाहिए सूप में वो इसके ज़रिए मिल जाता है। तो कॉर्नफ्लोर डालने के बाद फिर इसको हम अच्छे से चलाते हैं जिससे एक अच्छा सा गाढ़ापन भी आ जाए। और देखिए हमने यहाँ पे बटर भी डाला पहले जिससे जो नूडल्स हैं वो सूप को बिल्कुल तरीके मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना करें, और गाढ़ापन भी हमें चाहिए थोड़ा सा, उसके लिए हम यहाँ पे कॉर्नफ्लोर भी डाल रहे हैं कि जितना हमें चाहिए उतना गाढ़ापन हमें मिले। दोस्तों ये लगभग तैयार है हमारी ये नूडल सूप मैगी, बट हमें बस खाली उसमें गार्निशिंग करनी है, बट उसके पहले हम इसको थोड़ा सा और ढक देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए कि जितना हमें चाहिए उतना गाढ़ापन हमें मिल जाए। और नाउ इट इज रेडी, बिल्कुल जैसा हमें चाहिए इस तरह का हमारा ये हमारी रेसिपी तैयार हुई है। और आप देख सकते हैं सूप के जैसा हमें गाढ़ापन चाहिए तो वो भी हमें मिल चुका है। तो हम यहाँ पे इसको गार्निशिंग कर लेते हैं कोरिएंडर लीव से। गार्निशिंग का ही नहीं, एक फ्लेवर का भी रीज़न होता है जब हम धनिया की पत्ती डालते हैं, क्योंकि इसका फ्लेवर किसी भी आप तरह के फूड में डालो तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसको डालने के बाद हमें अब कम से कम एक बार फिर आँच फ्लेम को बंद करके इसको ढक देना है मुश्किल से 1 या 2 मिनट के लिए कि अच्छे से पूरा फ्लेवर ले ले धनिया का भी, और उसके बाद फिर हम इसको दोस्तों आराम से सर्व कर सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो